हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेसिपी नोट करिए और चलिए आज की रेसिपी की ओर। आज हम जैक फ्रूट से एक झटपट सी रेसिपी बनाएंगे, जो कि नॉर्मल जो घरों में वेजिटेरियन लोग जैक फ्रूट की सब्जी बनाते हैं उससे अलग है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे प्रॉपरली। हाथ में सरसों का तेल मल लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत चिपचिपाहट होती है। दूसरा, हम तंदूरी मसाला हमने लिया हुआ है। तंदूरी मसाला के लिए आपको रेसिपी के हिसाब से जीरा पाउडर, कोरिंडर पाउडर, मिर्च देगी और उसके अलावा सॉल्ट हो गया और तेल हो गया, उसका मिक्सचर बना करके रखा हुआ है मैंने पहले से ही। थोड़ा सा सरसों का तेल एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जब ये चीज़ काट लेंगे तो इसके अंदर मिक्स करेंगे तेल के साथ आपका तंदूरी मैरिनेशन, और इसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे बजाय इसके इसको फ्राई करने के। दोस्तों, आपको पता है कटहल की जो इन्वेंशन है या जो उसकी फर्स्ट कल्टीवेशन है उसके बारे में किसी को प्रॉपर जानकारी नहीं है, बट जो बोलते हैं कि ये जो आपका पश्चिमी घाट का जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है उस एरिया में, जो कि कम ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता था, इसका प्रोडक्शन होता था, जिसमें कि भारत, श्रीलंका और दक्षिणी चीन जैक फ्रूट यानी कि कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल भी है, क्योंकि ये फल और सब्जी दोनों की कैटेगरी में आता है। अब ये देखिए, तंदूरी मैरिनेशन जो बनाया था हमने, मेरे पास पहले से बना हुआ था, इसके अंदर सारे जैक फ्रूट जो है वो काट के रखे हुए हैं। मैंने सरसों के तेल से इसको मला हुआ था, अपने नाइफ को भी थोड़ा सरसों का तेल लगाया हुआ था, इसलिए चिपचिपाहट जो है इसमें प्रॉपर नहीं आई, नहीं तो काटने में थोड़ी दिक्कत आती है। जो लोग नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं बट उन्हें वेजिटेरियन में नॉनवेज का फील चाहिए या उस टेक्सचर में बनाना है, उनके लिए भी जैक फ्रूट लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ मूव करते हैं। बेबी जैक फ्रूट जो है वो खाने में मीठा होता है और उसको एज ए फल के तौर पर भी सर्व किया जाता है। कोस्टल एरिया में बहुत जगहों पे इसके छोटे छोटे बेबी जैक फ्रूट जो होते हैं उसको डायरेक्टली लोग खाते हैं, और उसका मिठास जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको ओवन में हम रोस्ट करेंगे, 160 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए रोस्ट करना है, बट अपने जैक फ्रूट के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना टाइम तो लेगा ही लेगा। दूसरा, फ्राई किए हुए जो जैक फ्रूट हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो पूरा तेल में होते हैं, इसमें कम तेल लगा है और इसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि आप इसको जो बना रहे हैं इसको उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको नॉन वेजिटेरियन बहुत पसंद है बट वो वेजिटेरियन से उसकी फील लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने दही लिया है 1 कप, उस दही के अंदर मैंने मैगी सीजनिंग मंगाई है, या फिर आप भुना मसाला भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाया है, पानी बाद में आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको फेट करके हम इसको जब वो रोस्ट हो जाएगा तो इसको पकाएंगे इसके साथ, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आप इसको कम तेल में भून भी सकते हैं कढ़ाई के अंदर। अब ये देखिए रोस्ट हो चुका है, रोस्ट होने के बाद अब इसको मैं पैन में डालूंगा और इसके अंदर जो मिक्सचर दही का बनाया हुआ है वो डालेंगे, और थोड़ा पानी डाल करके इसको हम ढक करके बिल्कुल मीडियम हीट पे इसको पकाएंगे। 30 मिनट के लिए पका सकते हैं आप क्या है, अगर कुकर भी है तो आप कुकर में भी इसको पका सकते हैं 2 या 3 सीटी तक। कटहल को थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, क्योंकि खड़ा कटहल बहुत कम लोग खाते हैं, लोग हल्का सा मैश कंडीशन में खाते हैं, लेकिन अगर आप इसको ड्राई करना चाहते हैं और इसको कई लोग अगर एज ए स्नैक्स खाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा कड़क इनको पसंद आता है। कटहल के जो कबाब हैं वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। कटहल की जो कैटेगरी होती है इसके अंदर बहुत सारी उसकी किस्में होती हैं, जिसको रसदार, खजवा, सिंगापुरी, गुलाबी और रुद्राक्षी जो है वो सारे इसमें शामिल हैं, और भी बहुत वैरायटी होंगी बट बेसिकली मेरे को यही पता है ज़्यादा। इसको पूरी तरह पका लीजिएगा और इसका पानी इसके अंदर सूख जाएगा। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो आप इसको थोड़ा रसेदार कर सकते हैं। इस कटहल के अंदर जितने फायदे हैं वो जान करके आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। इसमें पोटेशियम जो होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आयरन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, एनीमिया से भी ये बहुत बचाता है, अस्थमा वालों के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा कारगर औषधि है। मैं नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
एनजे स्पेंडलेस ईट बेस्ट।